माय नेम इज मोहम्मद अवैस। मैं अल खैर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। उम्मीद हो कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है डिमांड एंड थ्योरी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको लेक्चर दिया था कानून तलब है क्या। कानून तलब भी हमने पहले यहाँ पे तरफ बयान किया था, उसकी हमने मजीद डेफिनेशन की थी और कानून तलब के गोशवारा और हमने डायग्राम बनाई थी। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम कानून तलब का मजीद या कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही प्रीवियस लेक्चर की तरह मैंने दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ। मैं कानून तलब तारफ तरीफ ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और आपको कानून तलब की गोशवारा वही है, आठ कीमत ज्यादा हुई है, तलब कम हुई है, दूसरी स्टेज में आठ कीमत बराबर हुई है और तले में भी बराबर हुई है और चावल की नेस में आपकी चावल की कीमत कम हुई है और तलब यहाँ पे ज्यादा हुई है। ठीक है, ये थी गोशे वाला। अब गोशे को देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगे, एक्स एक्सिस में तलब आएंगे और वाई एक्सिस में यहाँ पे कीमत आएंगे। ठीक है, 4, 6, 8, 4, 6, 8। ठीक है, पहले आठ में चार है आ गया, उसे में सिक्स में सिक्स है और फोर में एट है। आपने यहाँ पे लाइन लगा दी है, क्या बन गए हमारे कानून तलब का डायग्राम बन गया। ये था आपका, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया था। अब हम उसे मजीद आगे चलते हैं। अब पॉइंट का नाम है कानून तलब के मफरूजात, इसके बारे में आप बयान करते हैं, डिटेल बयान करते हैं तो सुने। पहला हमारा पॉइंट के तमाम इकाइयां यकसा नियत की हों। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल सुने। आप कानून तलब के दोस्त होने की जरूरी है कि खरीदार की जाने वाली अशिया की तमाम इकाइयां दूसरे के अतबार से अक्सर किस्म की हो, क्योंकि अगर बाद में खरीदी जाने वाली इकाइयां बेहतर किस्म की हो तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाने के बावजूद इसकी तलब कम नहीं होगी, और अगर बाद में खरीदनी जाने वाली तमाम इकाइयां गड्ढे किस्म की हो तो कीमत कम होने के बजाय इसकी तलब में इजाफा नहीं होगा। इस तरह से उन दोनों सूत्रों में कानून दो साबित नहीं होता है। अगर आपकी चीज अगर वो चीज आपकी खराब हो गई है बल्कि उसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ है बल्कि उसकी कीमत में कमी हो गई है। ठीक है, क्योंकि चीज जो होती है वो लेटेस्ट होती है। अगर कीमत आपकी ज्यादा होगी तो आपकी चीज ज्यादा खरीदी जा सकती है। नेक्स्ट कौन सा हमारा पॉइंट है, साफी की पसंद ना बदले, इसके बारे में डिटेल में करेंगे। साफी की पसंद आदत और फैशन वगैरह में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग किसी शेयर को पहले से ज्यादा पसंद करने लगे या इस शेयर का इस्तेमाल फैशन में शामिल हो जाए तो इस शेयर की कीमत में इजाफा होने के साथ इसकी तलब में कमी होगी, बल्कि क्योंकि अगर शेयर का फैशन ना रहे तो कीमत में कमी के बावजूद इसकी तलब नहीं बढ़ेगी और ये कानून तो साबित नहीं होगा। अगर साफी की पसंद बदलेगी तो जैसी बात है ऑटोमेटिकली आपकी कीमत में इजाफा होगा, आपकी जो रकम है वो ज्यादा खर्च होगी जिस वजह से आपकी साफी की पसंद नहीं बदलेगी हमारी। अब नेक्स्ट मौसम वाला पॉइंट है, साफी की आमदनी ना बदले, इसके बारे में आप डिटेल सुने। इस कानून के दो साबित होने की जरूरी है कि साफी की आमदनी में भी तब्दीली ना आए, क्योंकि अगर साफी की आमदनी बढ़ जाए तो पहले कीमत इन अशर तलब में इजाफा कर देते हैं और अगर इनकी आमदनी कम हो जाए तो वह तलब में कमी कर देते हैं। इन दोनों सूरतों में कानून गलत साबित होता है। ठीक है, अगर साफी की आमदनी ज्यादा होगी तो उसे ख्वाहिश होगी कि मैं इस चीज को ज्यादा खरीदूं। मैं अगर साफी की कीमत बहुत ही मजीद कम है तो वो उतनी चीज खरीदेगा जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी, जितनी वो जरूरत मुताबिक अपनी चीज वगैरह खरीद सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा पैसा होगा तो वो फजूल खर्ची करेगा, अगर कम पैसा है तो वो हसबे जरूरत के मुताबिक चीज को खरीद सकता है। इसलिए इन दोनों सूरतों हाल में कानून बिल्कुल गलत साबित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, मुतबादिल अशिया की कीमतें ना बदले, इसके बारे में आप डिटेल सुनिए। ये कानून इस सूरत में दो साबित होता है कि जब किसी शेयर की मुतबादिल अशिया की कीमतों में तब्दीली ना हो, मसलन अगर शेयर की कीमत कमी हो जाए तो उसकी तलब इस सूरत में बढ़ेगी कि अगर काफी कीमत तब्दील ना हो, लेकिन अगर कीमत में कमी हो गया तो फिर शेयर का शेयर और चाय की तलब में इजाफा नहीं होगा, क्योंकि ये कानून गलत साबित होगा। इसका मतलब कि अगर चाय की कीमत में इजाफा हुआ है तो जैसी बात है कॉफी में भी कमी होगी हमारी, अगर चाय की कीमत में कमी हुई है तो ऑटोमेटिक ही कॉफी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये थी हमारी मतबादल अशिया कीमतें
तब्दील ना हो। ठीक है, अब लास्ट कौन सा हमारा पॉइंट है, आबादी में तब्दीली ना आए, इसके बारे में आप डिटेल सुनेंगे। कानून तलब इस वक्त दो साबित होगा जबकि मुल्क के बाद में आबादी में कोई कमी पेशी ना हो, क्योंकि अगर बाद में इजाफा हो जाता है तो मौजूद कीमत पर यह बात वैसे की तलब पहले से ज्यादा हो जाएगी। अगर आबादी में इजाफा हो जैसी बात है, जब आबादी ज्यादा होगी आगे बाद जो वसाइल बहुत ज्यादा कम हो गए तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास पैसा बहुत ही कम है हमारा। ठीक है, ये था हमारा कानूनी तलब के मफूजा। अब लास्ट कौन सा हमारा पॉइंट है, कानूनी तलब की मस्तिया या अदूत क्या है। ठीक है, पहला हमारा क्या है हमारा कॉन्सेप्ट बाईसिया, इसके बारे में आप डिटेल सुनिए। ऐसे अशिया जिन्हें इस्तेमाल करके लोग अपने आप को दूसरे आला वक्त महसूस करते हैं, मसलन पिजारोकारी बंगला वगैरह की नशे की कीमत में इजाफे के सबब इनकी तलब कम पहुंच जाने की वजह बच जाती है, लिहाजा बाईस इंटर अशिया भी कानून का तलब नहीं होता है। जिनके पास पिजारोकारी है और जिनके पास बंगला है तो इस सबब में कीमत जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो बेचते हैं तो वो सोने की जमीन बेचते हैं वहां। ठीक है, जब वो कीमत कम होती है तो वो कम मिकदार में चीज को बेच देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा हमारा पॉइंट है, नायाब अशिया, इसके बारे में आप डिटेल सुनिए। ऐसे अशिया जो मौजूदा वक्त में तो मंडी में माया हो लेकिन मुस्तकबिल करीब में खदशा हो कि नहीं मिलेगी, नायाब हो जाएंगी, इनकी कीमत बढ़ने पर इसकी तलब भी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ आटा, क्योंकि आटा यहाँ पे चीनी भी ये नायाब हो गई है, क्योंकि जब कोई चीज में कमी होगी जैसे बात है तो उसकी तलब में भी कमी हो जाएगी हमारी, अगर वो चीज ज्यादा होगी तो ऐटोमेटिक की तलब में कमी होना शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि नायाब आटा और चीनी है। ठीक है, अगर जिनके पास खड़े हुए हैं स्टोर पे माल खड़ा हुआ है वो ज्यादा मिकदार पे आटा और चीनी को सेल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, जरूरत जिंदगी, इसके बारे में आप डिटेल सुने। ऐसे अशिया जो बुनियादी जरूरत जिंदगी में शामिल होती है और जिनका इस्तेमाल कम करना मुमकिन नहीं होता है, ऐसी अशिया की कीमत बढ़ने पर तलब में कमी होती है, लिहाजा जरूरत जिंदगी की अशिया पर भी इसका कानून चला नहीं होता है। अगर तलब जरूरत जिंदगी पर होगी तो आप अशिया नहीं खरीद सकते हैं बल्कि ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सूरतों या इन सूरत हाल में आपका कानून बिल्कुल गलत साबित होता है। नेक्स्ट कौन सा हमारा गति अशिया, ऐसी अशिया जिन्हें मुकाबला गति सुनने जाता है, मुझसे गर्दन के मुकाबले में बाजा या गोश्त के मुकाबले में दाल वगैरह है, ऐसी अशिया की कीमत कम हो जाने पर तलब बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, ऐसी अशिया के बारे में कानून दो साबित नहीं होता है। ठीक है, अब लास्ट कौन सा हमारा ला इल्मी क्या है, इसके बारे में आप डिटेल सुने। बार बार ऐसा होता है कि लोग किसी शय के बारे में ला इल्म हो जाने की वजह से इस कीमत में इजाफे के बावजूद इसकी कीमत तलब में कमी करने के बजाय इजाफा कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दी थी आटा, अगर आपको पता नहीं कि आटा की कीमत है कि यार वो जो लोग होते हैं वो आटे की जो कीमत को जो कम कर देते हैं या इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से कानून दुरुस्त साबित होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का पूरा एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ जाए तो आप आगे वाले जो लेक्चर होंगे मजीद आपको सामने होंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप बार बार देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब आपकी जो असाइनमेंट है पूरा क्वेश्चंस की आपने जिसके अंदर मफूजा भी होगा जिसके अंदर मुस्तस्नियात भी होगी, ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने अकेडमी में आपने जमा करवानी है और टाइमिंग होगी 4 से 5 और ये तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।